देखिए क्वेश्चन दिया गया है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पीछे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसका फॉर्मूला लिखना है, एथीन का लिखना है। तो क्या होता है, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कार्बन यहाँ पे दो कार्बन है, दो कार्बन लिख लेते हैं, इसके वैलेंस कार्बन कितना होता है, चार, दो और ये दो, चार, इसके भी ये दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके भी कितने होते हैं, चार होते हैं, इसका एक दो तीन चार हो गया। अब हाइड्रोजन चार है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का बैलेंस कितना होता है, वन, एक, इसका भी एक, इसका और इसका भी एक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का दो पूरा होगा, एक दो इलेक्ट्रॉन, इसका भी दो इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब कार्बन का देखते हैं, कार्बन का आठ पूरा करना है, तो ये हो जाएगा कार्बन का, यहाँ से ये कार्बन हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन का देखते हैं, तो ये कार्बन यहाँ से ऐसे घुमा के ये कार्बन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ऐसे करके। ठीक है, अब इधर वाले हाइड्रोजन का पूरा हो गया और ये हाइड्रोजन का भी, ये आ गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड O2 एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई, पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें और भी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द गैस। तो ये जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन का क्या नाम होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और गैस क्या निकलेगा यहाँ पे, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, जो X गैस फॉर्म हुआ यहाँ पे ब्राउन कलर का, वो NO2 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। इसका जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो क्या दिया है, कॉपर, यहाँ पे कॉपर टू नाइट्रेट है, टू सी यू एन ओ टू, इसका बैलेंस इक्वेशन लिखना है, NO2 थ्री एच टू ओ, यह आ जाएगा टू सी यू ओ प्लस फोर एन ओ टू प्लस ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ। ठीक है, ये आ जाएगा, और वो जो ब्राउन कलर का एक्स फॉर्म हो रहा है, ये यही है NO2 ब्राउन कलर का, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इसका बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस। ठीक है, तो हमें पीएच रेंज लिखना है, ये यहाँ पे थ्री अंदर है, थ्री और ये टू है। ठीक, तो इसको यहाँ मिटा लेते, इसको, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पीएच रेंज जो होगा इसका लेस देन सेवन होगा, लेस देन सेवन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड ऑफ जो सॉल्यूशन नॉन मेटल होता है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, वो एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, इसीलिए जो इसका पीएच होगा वो सेवन से नीचे, वो सेवन से नीचे जो भी पीएच स्केल होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, वाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एन एग्जांपल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, दोज ऑक्साइड विच वी हैव एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड बिहेव करता है, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, Al2O3, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका बेसिक और एसिडिक नेचर का रिएक्शन बताते हैं। सबसे पहले हम एसिडिक नेचर पे चलते हैं, तो ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, AlCl3+H2O। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे तो Al2 है, 2 आ गया, क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 आ गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, सॉरी हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। ठीक है, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम बेसिक में चलते हैं, तो Al2O3+NaOH, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, अब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NaAlO2+H2O। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, बस हो गया बैलेंस। एल्यूमिनियम 2 हो गया यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3 है, और 3 और 2 5, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ये इसके रिएक्शन हो गया। ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया, तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है।